हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। थायराइड के रोगी को इलाज और घरेलू नुस्खों के अलावा अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। थायराइड के मरीज को इससे बचने के लिए विटामिन, प्रोटीन युक्त और फाइबर युक्त आहार का सेवन ज्यादा करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को थायराइड है उन्हें ज्यादा से ज्यादा आयोडीन वाले खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। मछली, खास करके समुद्री मछली, थायराइड के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। किसी किसी का थायराइड हाइपर होता है और किसी का हाइपो, तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और अपने लिए खास डाइट चार्ट बनवाएं। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे आहारों के बारे में बताते हैं जिनका सेवन थायराइड के मरीजों को जरूर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन की। थायराइड के मरीजों को आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के दुष्प्रभाव को कम करता है। साथ ही उन्हें साबुत अनाज का भी सेवन करते रहना चाहिए। साबुत अनाज में ज्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और फाइबर होते हैं। अनाज खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पुराना ब्राउन राइस, जई, जौ, ब्रेड, पास्ता और पॉपकॉर्न का सेवन करना चाहिए। और वहीं अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो आपको मछली का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। वैसे तो सभी मछलियों में आयोडीन होता है, लेकिन समुद्री मछली में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए समुद्री मछली जैसे कि सेलफिश और झींगा खाना चाहिए, जिसमें अधिक मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा टूना, सामन, मैकरेल, हलीबेट और हेरिंग जैसी मछलियों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी अच्छे मात्रा में पाया जाता है। साथ ही दूध और दही का सेवन भी करते रहे। दूध और दही में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। दही खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रोबायोटिक थायराइड रोगियों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं, जो कि शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। सब्जियों में पाया जाने वाला फाइबर पाचन क्रिया को मजबूत करता है और हरी और पत्तेदार सब्जियां थायराइड ग्रंथि के क्रियाओं के लिए अच्छी होती है। हाइपर थायराइड हड्डियों को पतला और कमजोर बना देती है, इसलिए हरी और पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए, जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है। लाल और हरी मिर्च, टमाटर और ब्लूबेरी खाने से शरीर को अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो कि थायराइड के मरीजों के लिए काफी अच्छा है, तो इनका सेवन भी करना चाहिए। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट का सेवन भी थायराइड के मरीजों को करना चाहिए। सोया मिल्क, टोफू या सोयाबीन में ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो हार्मोन को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे आहार हैं जिनका सेवन थायराइड के मरीजों को जरूर करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।